ओरछा मध्य प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक स्थान है। यह हमेशा से पर्यटकों के केंद्र में रहा है। यहाँ स्थित भगवान श्री राम का मंदिर पूरे देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ वे भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में पूजे जाते हैं। ओरछा के राजा मधुकर शाह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी गणेश कुमारी भगवान श्री राम की उपासना करती थी। वह हमेशा रानी को भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने को कहा करते थे, लेकिन रानी तो श्री राम का ही नाम जपते रहती थी। एक बार उन्होंने यह मन बना लिया कि वे ओरछा में भगवान श्री राम की स्थापना करेंगी। इसके लिए उन्होंने अयोध्या जाकर उपासना करने का मन बनाया। एक दिन वे राजा को बिना बताए अयोध्या के लिए निकल गईं। अयोध्या के लिए प्रस्थान करने से पहले उन्होंने अपने नौकरों को यह आदेश दिया कि वे चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाएं, जहां भगवान श्री राम की स्थापना की जाएगी। अयोध्या पहुंचने के बाद रानी ने राम मंदिर में भगवान श्री राम के लिए कई दिनों तक उपास रखा। उनकी इस भक्ति को देखकर भगवान श्री राम उनके सामने प्रकट हुए। इसके बाद रानी ने उन्हें अपने साथ ओरछा जाने का आग्रह किया। भगवान श्री राम तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने रानी के सामने तीन शर्तें रखीं। पहली, भगवान श्री राम ने कहा कि वे ओरछा बाल रूप में जाएंगे। दूसरी, ओरछा पहुंचने के बाद वहां ना कोई राजा होगा और ना कोई रानी। तीसरी, उनकी स्थापना पुरुष नक्षत्र में होगी। रानी ने भगवान श्री राम की सभी शर्तें मान ली। रानी जब श्री राम के बाल रूप के साथ ओरछा पहुंची, तब राजा ने धूमधाम से उनका स्वागत करने का मन बनाया, लेकिन रानी ने सभी को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद वे श्री राम के बाल रूप के साथ महल में गईं। अगले दिन जब उन्होंने भगवान राम को चतुर्भुज मंदिर में स्थापित करने का शुभ मुहूर्त बनाया, तब भगवान राम ने कहा कि वे माँ का दामन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद वो महल से बाहर नहीं गए और उनकी स्थापना वहीं हो गई। इसके बाद से रानी का वही महल मंदिर के रूप में विख्यात हो गया, जो आज राम राजा मंदिर के नाम से विश्व विख्यात है।